नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम बात करेंगे पंचायती व शहरी राज व्यवस्था के बारे में, चुनाव प्रणाली, ग्राम सभा, आरक्षण, विभिन्न कर, समितियां, अधिनियम, नगर पालिका, नगर निगम। एक एक फैक्ट, छोटे से छोटी जानकारी जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा मर्जी प्रश्न आपको फिर एग्ज़ाम में आ जाए, मुश्किल से मुश्किल प्रश्न भी अगर आपको एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बनता है, तो 100% वो आपको करवाया हुआ होगा। इस वीडियो में उसके उस पर डिस्कशन जरूर की गई होगी, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इन कुछ प्रश्नों को मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया, तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ, ताकि जब हम वो प्रश्न फिर जब हम प्रश्नों को एमसीक्यूज को हल करेंगे, तो वो आपकी एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी, फिर वो आपको भूलेगा नहीं। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। देखिए, 1882 में रिपन ने स्थानीय संस्थाओं की मजबूती हेतु एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दूसरी बात, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है, तो जो राज्य सूची का विषय, जो भी आप याद रखेंगे। तीसरी बात, किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस सन में की गई, तो 1952 में। और देखिए, 1953 में राष्ट्रीय सह विस्तार योजना जैसे कार्यक्रम लागू किए गए। देखिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता जो समिति का गठन किया गया था उसके बारे में। तो देखिए, जो मैंने आपको दोनों कार्यक्रम बताए, एक 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय शहरी विस्तार योजनाएं, तो देखिए इन दोनों कार्यक्रमों की जांच करने हेतु 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उन सभी से प्रश्न बनता है, और कैसे प्रश्न बनता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बलवंत राय समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज संस्थाओं से, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा, देखिए, ये जब सारा जो ये प्रक्रम चल रहा है, तब प्रधानमंत्री कौन है देश के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देखिए, पहली बार अगर पूछा किस राज्य में पंचायती राज संस्थान का उद्घाटन किया गया, तो राजस्थान में। किस जिले में किया गया, तो नागौर जिले में। और देखिए, गांव का नाम पंगदरी गांव, कुछ ऐसा ही है, अब इसे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, पंगदरी गांव। और कब किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। अब देखिए, बलवंत राय मेहता ने ही देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द दिया था, इसीलिए बलवंत राय मेहता है, इनको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, मैंने कहा ये जो सारी जो प्रक्रिया चल रही है, तब प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचायती राज संस्थाओं के गठन का जनक कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को, पंचायती राज संस्थाओं के गठन का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। देखिए, एक समिति तो होगी बलवंत राय समिति, पंचायती राज संस्थाओं से इसका संबंध है। दो समितियां और हैं, एक है अशोक मेहता और तीसरी है लक्ष्मीमल सिंघवी, जे आप याद रखेंगे। देखिए, अशोक मेहता का भी संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है, लेकिन इन्होंने क्या सिफारिश की थी, तो इन्होंने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने इस समिति की का गठन किया था, और इसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता, तो संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की गई थी। तीसरी समिति मैंने बताई लक्ष्मीमल सिंह भी, इन्होंने भी क्या किया था कि संवैधानिक दर्जा इसे दिया जाए, तो इसी समिति की अनुशंसा पर फिर देखिए पंचायत राज संस्थाओं हेतु 64वां तथा नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा देने हेतु 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 लाया गया था, तब जो पास नहीं हो सका था। और आपको पता है कि अब देखिए जो आगे आपको पता है कि पंचायती राज और शहरी निकाय से संबंधित कौन से अनुच्छेद है, 73वां और 74वां, अनुच्छेद नहीं जो संविधान संशोधन जो अधिनियम है, तो आप कहेंगे कि 64वां 65वां लाया गया, तो अब जो 63वां 73वां 74वां कैसे हो गए। देखिए, जब कोई लाया जाता है, कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया जाता है, अगर वो कानून नहीं बनता, यानी कि वो रद्द हो गया, कानून नहीं बना, उसे खारिज कर दिया गया,
तब देखिए जो अगला संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा उसे 64वां या 65वां नंबर नहीं दिया जाएगा। 64वां 65वां जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, ऐसा नहीं कि वो अगर वो खारिज हो गया तो जो अगला विधेयक लाया जाएगा उसे भी 64वां नंबर दिया जाएगा, नहीं। जो 64वां जिसे दे दिया दर्जा दिया जा चुका, जो विधेयक आ चुका, चाहे वो रद्द हो गया चाहे वो कानून बना, तो वो 64वां नंबर फिक्स हो गया, वो 64वां नंबर अब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। 65वां भी इसी तरह से उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1952 में लाया गया उसके बारे में बात करेंगे, उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अब हम करते हैं कुछ प्रश्नों को डिस्कस। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर रहेगी, लेकिन वीडियो लंबी इसीलिए रहेगी क्योंकि हम एक एक पहलू पर बात करेंगे, एक एक छोटी से छोटी जानकारी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि ग्राम सभा जो आपको जो कथन दिए गए हैं आपने बताने, इनमें से कौन सा असत्य है यानी कि फॉल्स है। तो देखिए पहला कि ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से अधिक ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। दूसरा कि गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक हो या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो वे ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो देखिए ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य है, असत्य इनमें से कोई नहीं है। तो ये दोनों कथन क्या है, सत्य। तो देखिए जो मैंने कहा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जानकारी दे रखी है, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। दूसरा कथन है कि ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना है। आपने बताना कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए तीनों ही कथन क्या है, सत्य हैं, तीनों ही कथन क्या हैं, ट्रू हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पंचायत के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच व सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ग्राम सभा की देखिए क्या भूमिका है, तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, वो पैसे के दुरुपयोग तथा कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी रखती है, कौन, ग्राम सभा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़कों नालियों स्कूल पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव, स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, तो करना क्या है, जो जो आपको तीन कथन दे रखे हैं आपने बताना कि उपरोक्त में से ग्राम पंचायत के कार्य में कौन कौन से शामिल हैं। ठीक, तो देखिए ये तीनों ही जो आपको कथन दे रखे हैं ये तीनों ही ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है, तो उसके ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में क्या क्या शामिल है, ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपने बताना कि क्या शामिल है। घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। दूसरा कथन है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। तीसरा है कि समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो देखिए ये तीनों ही शामिल हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में क्या क्या शामिल है, तो ये मैंने लिख रखा है, घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है, इसके अलावा समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान भी ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना और आपने बताना कि निम्न कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। पहला कथन है कि पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए ना तो एक और ना तो दो, यानी कि जो दोनों कथन दे रखे हैं इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों ही कथन क्या है, ट्रू है। तो देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो क्या होती है, तीन स्तरों की होती है। तो ये आप याद रखेंगे, देखिए ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पर विकास खंड पंचायत या जिसे जनपद पंचायत भी कहते हैं या पंचायत समिति भी कहते हैं, और तीसरा स्तर रहता है जिला परिषद या जिला पंचायत का। पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, जिला पंचायत एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं, पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो देखिए मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दी कि पंचायत समिति क्या होती है और जिला पंचायत क्या होती है, और पंचायती राज व्यवस्था कितने चरणों की होती है, कितने स्तरों की होती है, तो तीन स्तरों की होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किसानों की गतिविधियों जैसे कि फसल बदलना व कुआं खुदाई आदि की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है। दूसरा कथन है कि तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मसलों को सुना जाता है, तो आपने बताना कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है यानी कि ट्रू है। तो देखिए दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है रोंग, और तो पहला कथन क्या है ट्रू। तो देखिए दूसरा कथन गलत क्यों है, तो देखिए दूसरा कथन है क्या कि तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मसलों को सुना जाता है। आपको पता है कि तहसीलदार के दफ्तर में जमीनी विवादों को से जुड़े मसलों को सुना जाता है, दूसरा कथन इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थानीय शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन संस्थाओं को 1993 यानी 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। गांव व जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना करता है। तो देखिए ये सारे ही कथन क्या है, सारे ही कथन सत्य हैं, सारे ही कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्थानीय शासन के जो ये संस्थाएं हैं इनको कब संवैधानिक दर्जा दिया गया, 1993 में। किस संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम के थे, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसे कि लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को ये संशोधन लागू हुआ। अब हम बात कर ही लेते हैं, पहले मैं आपको जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए दिए गए सभी कथन सत्य हैं। 1989 में बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। अतः 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एवं 93 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि जो थुंगन समिति है जो भी किससे संबंधित है, तो फिर स्थानीय शासन व्यवस्था से या पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आप याद रखें कब, 73वां 1992 को और 74वां 1993, जी आप याद रखें। देखिए 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम वो जो है वो 1992 में आया और लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 कब लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायत राज दिवस, पंचायती राज दिवस दिवस मनाया जाता है। तो जे भी आप ज्यादा 24 अप्रैल को। तो 73 में देखिए संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए जे मैं आपको बता चुका हूँ कि 1882 के बाद अस्तित्व में आए, उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वॉयस राय थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। दूसरा कथन है कि महात्मा गांधी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के क्या विकेंद्रीकरण के क्या थे, समर्थक थे। तो दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। महात्मा गांधी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के क्या थे, समर्थक थे। और देखिए और क्या मानना था गांधी जी का, तो देखिए उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। देखिए नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। देखिए 73वां ग्रामीण से संबंधित है और जो 74 वो शहरों से, शहरी से स्थानीय शासन से संबंधित है। तो 73वां संबंधित है ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, लेकिन जो लागू कब हुआ, 1993 में। जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 वो कब लागू हुआ, 1993 में। यानी कि दोनों ही संविधान संशोधन लागू कब हुए, तो 1993 में। अब हम बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन की। इसके देखिए निम्न विशेषताएं हैं, सबसे पहले कि संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया तो देखिए इस संशोधन के द्वारा 243 से लेकर 243 ओ 243 से लेकर 243 ओ 243 से लेकर 243 ओ जैसे ए बी सी जैसे सब सेक्शन बनाए गए थे, तो नए अनुच्छेद जोड़े गए। तो कितने अनुच्छेद हो गए कुल, यानी कि इस अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए, ओ तक 15 और 243 एक खुद भी है, यानी कि 16 अनुच्छेद नए जोड़े गए। ठीक, यानी कि 243 तो एक है ही ये खुद, उसके बाद 243 ए भी होगा, तो ए से लेकर ओ तक 15 वो हो गए और 243 खुद, यानी कि 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। इसके अलावा देखिए 11वीं अनुसूची और भाग, इसके साथ ही इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची और क्या जोड़ा गया, 9वां भाग भी जोड़ा गया, भाग 9 और 11वीं अनुसूची भी इसके तहत ही
जोड़ा गया। इसके अलावा देखिए ग्राम सभा का गठन, आर्टिकल देखिए 243 में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया। देखिए पहले आपको बताऊं कि ग्राम सभा होती क्या है, ऐसे प्रश्न बनता है। तो देखिए ग्राम सभा, मैं पहले पहले ही प्रश्न में वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ग्राम पंचायत में आने वाले गांव या गांव एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतदाताओं का समूह ग्राम सभा कहलाता है। इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जो ग्राम सभा है इसकी एक वर्ष में दो बैठकें जरूर होनी चाहिए, दो बैठकें होनी चाहिए, और सरपंच इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। दूसरा इसका कोरम क्या होता है, तो जो ग्राम सभा के जो कुल सदस्य, जो ग्राम सभा में जो जो ग्राम सभा होती है उसका 1/10 क्या होता है इसका कोरम, कोरम क्या रहता है इसका 1/10, यानी कितने मिनिमम सदस्य उपस्थित होने चाहिए बैठक के लिए, 1/10 इसका क्या रहता है कोरम। इसके अलावा देखिए जो ग्राम सभा के कार्यों का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है उसका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा। और जे आर्टिकल इसका उल्लेख, जो आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है वो 243A में किया गया है, तो जे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए इसकी जो ग्राम सभा रहती है, जो जो ग्राम पंचायत होती है, इसकी जो इसकी इसका कार्यकाल शुरू कब से माना जाता है, तो देखिए इसका कार्यकाल शुरू माना जाता है इसकी पहली बैठक से, इसकी इसकी पहली बैठक से इसका कार्यकाल शुरू माना जाता है, और कब तक रहता है कार्यकाल, 5 वर्ष का, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा द्विस्तरीय होता है। आप देखिए जो कथन दे रखे आपने बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए आप अब आपको पता होगा कि मैंने क्या कहा था कि कौन कितने स्तर की रहती है, तो 3 स्तर की होती है जी। अब देखिए आपको पहले ही बताया जा चुका कि जो पंचायती राज व्यवस्था वो कितने स्तरीय रहती है, त्रिस्तरीय होती है। तो आपको बता चुका कि सबसे निचले लेवल पर ग्राम पंचायत, उसके बाद दूसरे जो लेवल रहता है वो किसका, पंचायत समिति, या जिसे हम क्या कहते हैं जो ब्लॉक स्तर पर रहती है जिसे हम क्या कहते हैं जनपद पंचायत भी कहते हैं, या पंचायत समिति, और तीसरा जो और सबसे उच्च स्तर जिला स्तर, या जिला परिषद या जिला पंचायत, ठीक है। तो पहला कथन तो आपको पता गलत हो ही गया। दूसरा कि 74 में संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का बनना अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा कथन है कि पंचायती क्षेत्र के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। चौथा कथन है ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता। तो देखिए कौन कौन से कथन असत्य हैं, तो पहला दूसरा तीसरा जो तीनों ही असत्य हैं। कौन सा कथन सत्य है इसमें, तो चौथा सत्य है कि ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण किया कि जाता है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। अब देखिए ये कथन गलत क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है, बता चुका हूँ। ग्राम पंचायत दूसरे नंबर पर, यानी कि जो मध्यम स्तर पर, मंडल तालुका पंचायत, जिला पंचायत तीसरे स्तर पर। देखिए जो बीच वाला स्तर उसे क्या क्या कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं उसे, मंडल या तालुका पंचायत कहते हैं, जनपद पंचायत भी कहते हैं, और सबसे ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद। जो प्रदेश आकार में देखिए छोटे हैं वह मंडल या तालुका, यानी कि जो मध्यवर्ती स्तर है उसकी आवश्यकता नहीं होती। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता यदि उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो। देखिए एक एक जो आपको जानकारी दी गई है सभी से प्रश्न बन सकता है, तो सभी आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। संविधान के देखिए 73 में संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को बनना अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखिए जी अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं तब आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। आपको पता है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो उसका संबंध ही किससे है, शहरी व्यवस्था से, तो ग्राम सभा को बनना अनिवार्य वो कैसे कर सकता, तो 73वां संविधान संशोधन होगा। लेकिन कथन में क्या दे रखा था, 74वां संविधान संशोधन। इसके अलावा पंचायती हलके में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। देखिए ऐसा नहीं कि जो ग्राम पंचायत है उसके जितने भी जो नागरिक हैं वो सारे ही क्या हों, ग्राम सभा के सदस्य हों, नहीं। कौन होते हैं ग्राम सभा के सदस्य, जो जो मतदाता के रूप में जो पंजीकृत हैं वो क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट है, पंचायत के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यदि सरकार पंचायत को भंग कर देती है तो 1 साल के भीतर पुनः चुनाव करवाना अनिवार्य है। 73वें संविधान संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे। देखिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जनता डायरेक्ट जो उस पद पर बैठेगा उसे चुन रही हो, जैसे जैसे सरपंच को चुनती है ऐसा। और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, आप देखिए कुछ प्रतिनिधियों को चुनेंगे, फिर वो प्रतिनिधि अपने में से अध्यक्ष का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे।
तो देखिए इन कथनों में से आपने बताना कि कौन से कथन गलत हैं और असत्य हैं। तो कथनों को एक बार ध्यान से फिर पढ़ लीजिए। तो देखिए केवल जो तीन कथन हैं वो क्या है, असत्य। उसके अलावा जितने भी कथन हैं वो सारे सत्य हैं। देखिए पंचायत के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है, आपको पता है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है, ये भी आपको पता है। और 73वें संविधान संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे। तीसरा कथन गलत क्यों है, क्योंकि अगर देखिए सरकार पंचायत को भंग कर देती है तो 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव करवाना क्या रहता है, अनिवार्य। यानी कि जहाँ पर क्या होगा, 6 साल नहीं, 6 महीने, और 1 साल भी नहीं होगा, 6 महीने, ठीक है। तो ये दे रखा कि यदि सरकार पंचायत समिति को भंग कर देती तो 6 माह के भीतर पुनः चुनाव करवाना आवश्यक हो। नेक्स्ट है कि पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर अपने अब आपने विचार करना। आरक्षण, तो देखिए इसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए आरक्षण का वर्णन कर रखा है 243D में, ठीक। जे पूछा जा सकता है 243 में, जितने सारे वर्णन कर रखे, तो 243D में। तो आरक्षण से कुछ जुड़े मैं आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स बता देता हूँ। देखिए SC ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है का प्रावधान किया गया, 1/3। और OBC के आरक्षण की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल को सौंपी गई है। अब कथन देखते हैं। सभी पंचायत संस्थाओं में 2/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए 2/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो केवल एक और तीन आपने कौन से कथन छांटने थे, असत्य, यानी कि रोंग। तो पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, उसके अलावा क्या है, जो दूसरा कथन है वो क्या है, सत्य है। तो दूसरा कथन सत्य है, तो उसमें क्या लिख रखे, तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था है। तो अब देखिए थोड़ा हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 243D, तो देखिए जी आप याद, 243D आरक्षण से रिलेटेड है, पंचायती व्यवस्था में आरक्षण से। सभी पंचायत संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के साथ साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में भी 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो जहां पर क्या लिख रखा है, 2/3 सीटें, तो गलत गलती क्या थी, 2/3 सीटें नहीं, जहां पर क्या आएगा, 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये तो फिर से वही है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। आपको पता है 11वीं अनुसूची और भाग 9 किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि 1993 में लागू हुआ। तो क्या क्या सम्मिलित है, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल संचय का विकास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। तो देखिए ये सारे ही क्या हैं, सारे ही विषय क्या हैं, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। इन विषयों को पंचायती राज को सौंपा गया है। कुछ देखिए मैं आरक्षण से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश देखिए पहला राज्य है जहाँ पंचायत राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 1/2 आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1/2 यानी कि 50%, 1/3 का मतलब 33% लगभग, तो 1/2% यानी कि 50%। तो इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर आपने विचार करना है। लघु उद्योग जी आप देख सकते हैं, तो इसमें पूछा गया कि कौन से विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है। देखिए इससे पहले भी हमने कुछ विषय मैंने आप डिस्कस किए, ताकि इससे आपको जो उसमें 29 में से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय जिनसे आपसे प्रश्न बन सकता है कि 11वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय शामिल है, तो जो मैंने आपसे डिस्कस किए इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा, तो ये आप याद कर लेंगे। ये सारे विषय भी 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। अब देखिए बात आ गई राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग की। तो जैसे भारत निर्वाचन आयोग होता है, उसी तरह राज्य का भी एक अलग चुनाव क्या कहते हैं उसे, निर्वाचन आयोग होता है। तो पहला देखिए क्या कथन दो है कि राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। भारत के चुनाव आयुक्त की तरह प्रदेश चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त होता है, यानी कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। तो देखिए किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान किया गया है, तो देखिए अनुच्छेद 243K में, 243K में पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है, जो भारत के चुनाव आयुक्त की तरह ही स्वायत्त एवं स्वतंत्र
स्वतंत्र है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसके अलावा देखिए जो राज्य वित्त आयोग, देखिए उसका वैसे आगे हम बात करेंगे, तो 243 के जी आप याद रख। नेक्स्ट है कि प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना आवश्यक है। राज्य वित्त आयोग प्रदेश और स्थानीय शासन तथा ग्रामीण एवं शहरी शासन संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। तो राज्य वित्त आयोग के बारे में जो बात की गई है और उसका काम बताया गया है, तो क्या ये सत्य हैं दोनों कथन, कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन क्या है, सत्य। देखिए 243 के किससे रिलेटेड था, राज्य निर्वाचन आयोग से। अब ये किससे रिलेटेड है, 243 I, तो ये रिलेटेड है राज्य वित्त आयोग के। इसमें प्रावधान किया गया है इस अनुच्छेद में, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। तो ये भी आप रखेंगे याद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है? तो आपको पता है 73वां ग्रामीण से संबंधित है और 74वां शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है, तो ये आप याद रखेंगे। तो देखिए हमने लगभग जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बन सकते थे सारे ही हमने डिस्कस किए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न बनेगा। और देखिए मैंने कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। देखिए कि निर्धारित काल से अगर पूर्व स्थान अगर रिक्त हो जाता है तो नए चुनाव 6 महीने के अंदर करवाने होंगे। जहां पर 1 साल लिख रखा था तो क्या होगा, 6 महीने। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 243 E के अनुसार आता है। और 243 E में ही ये भी कहा कह रखा है कि इन संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं उम्मीदवार जो इसके लिए जो उम्मीदवार रहते हैं, तो उनकी जो न्यूनतम आयु रहेगी वे रहेगी 21 वर्ष। वोट डालने की आयु रहती है मिनिमम 18 वर्ष, और उम्मीदवार बनने के लिए आपकी जो मिनिमम आयु वो 21 वर्ष होनी चाहिए। और ये आर्टिकल 243 F में ये इसका प्रावधान कर रखा है, तो ये भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। देखिए मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताता हूँ। देखिए ग्राम पंचायत के जो उपाध्यक्ष, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। देखिए होता तो प्रत्यक्ष ही, आप जिसे चुनते हैं वही प्रधान बनता है, लेकिन जो प्रावधान कर रखा वो प्राव उस जो जाने की जो लिख रखा कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये लिख रखा है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो बातें ऐड की गई उसमें ऐसा लिख रखा कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बाकी जितने भी हैं यानी कि पंचायत समिति और जिला परिषद के, उनका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष, यानी कि आप जिसे वोट डालते हो वो जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं बनता या पंचायत समिति का अध्यक्ष नहीं बनता, आप जिसे वोट डालते हैं वो एक प्रतिनिधि के रूप में जाता है, फिर वो जो प्रतिनिधि बनते हैं वो आपस में से यानी कि अपने में से ही सहमति से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो देखिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। बाकी देखिए 243 H के तहत देखिए इन संस्थाओं को कर लगाने की भी शक्तियाँ दी गई हैं, कर जाने की टैक्स लगाने की शक्तियाँ भी दी गई हैं। और देखिए इन संस्थानों के जो ऑडिट की जिम्मेदारी है, जो ऑडिट की जिम्मेदारी है वो राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी देखिए इसमें कुछ और महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। बाकी राज्य निर्वाचन आयोग 243 K के तहत है और ये 1 सदस्यीय आयोग है। राज्य निर्वाचन आयुक्त उसका पदनाम है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिसमें शायद मैंने आपको नहीं बताया, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और देखिए संविधान में इनकी योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा देखिए जो IAS अधिकारी होते हैं वो इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं, इसका कार्यकाल भी संविधान में निर्धारित नहीं है। इसके अलावा देखिए जो ये सारा कुछ 243 K में ही है, क्योंकि 243 K जो अनुच्छेद है वो ही किससे रिलेटेड है, राज्य निर्वाचन आयोग से। और देखिए राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसे उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और आपको पता है इनका काम क्या होता है, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या राज्य निर्वाचन जो आयोग, इनका काम क्या होता है कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनाव का चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करना वगैरह वगैरह। इसके अलावा देखिए जो 73वां जो संविधान संशोधन है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं,
वो किन स्टेट्स में जो जब जो पंचायती राज या इलेक्शन होते हैं तो 73 में संविधान संशोधन वहाँ पर लागू नहीं होता, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर चुनाव नहीं करवाए जाते। तो देखिए, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में 73 में संविधान संशोधन के प्रावधानों के तहत चुनाव नहीं करवाए जाते। मेघालय, म से मिजोरम, ऐसे नहीं आका म से मणिपुर, नहीं ऐसा नहीं होगा, म से मेघालय, म से मिजोरम और नागालैंड, वहाँ पर ये चुनाव नहीं करवाए जाते। तो देखिए, सारे ही लगभग हमने प्रश्न डिस्कस कर लिए आज। आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए, वीडियो लंबी रहेगी क्योंकि हमने बिल्कुल डिटेल में एक एक प्रश्न डिस्कस किया। देखिए, पढ़ाने का मतलब यही रहता कि आपके मन में कोई क्वेश्चन पैदा ही ना हो। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में पैदा होता तो उसका आंसर मेरे द्वारा आपको पहले से दे दिया जाए। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है तो, परंतु देखिए इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए, कुछ रह गया होगा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, और देखिए आप बता दीजिएगा। हम देखिए ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो इकोनॉमी के हों। अब आप कमेंट से कमेंट ये भी कीजिएगा कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर इसी तरह के बिल्कुल डिटेल में वीडियो चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री से हो, कोई भी टॉपिक आप सुजेस्ट कर सकते हैं। तो और देखिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलती रहे।